अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम न्यू रेसिपी के साथ हाजिर है। आज हम बनाएंगे पैनकेक। तो पैनकेक किस तरीके से बनता है, आइए हम आपको इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये हमने चीनी लिया हुआ 200 ग्राम, हमने सोडा लिया हुआ और इसमें थोड़ा इस्पी मिक्स है, हाफ टेबल स्पून ईस्ट है और हाफ टेबल स्पून सोडा है। ये हमने पानी लिया, ये हमने 100 ग्राम ड्राई मिल्क लिया, ये हमने चार अंडे लिया और ये हमने 400 ग्राम मैदा लिया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका बैटर, जो इसकी बैटर किस तरीके से बनता है। तो फिर बाद में इसको फ्राई पैन में नॉन स्टिक में पकाएंगे, ये किस तरीके से तैयार होता है। तो पहले हम इसका बैटर तैयार करते हैं, जिसका बैटर किस तरीके से तैयार होता है, तो आइए देखते हैं। तो नाजरीन हम स्टार्ट करते हैं इसमें। ये हम मैदा डालेंगे इसमें, ये हमने मैदा डाल दिया, ये हम इसके अंदर जो अंडे हमने लिए ये अंडे हम डाल लेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम ये ड्राई मिल्क डाल देंगे, ये हमने ड्राई मिल्क डाल दिया, और ये हम इसमें चीनी डाल देंगे, ये जो हमने चीनी लिया था, और ये सोडा जो है और ये ईस्ट जो हमने मिक्स किया हुआ, ये दोनों ये डाल देंगे, और हम इसमें पानी डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर इसको हम मिक्स करेंगे, इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मज़ीद और पानी ऐड करेंगे, जो पानी लिया था, और तो इसको हम इसी तरीके से इस पर मिक्स करेंगे। तो ये हमारा बैटर है, बैटर तैयार हो जाएगा, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। जो ये थोड़ा इसमें सोडा और ईस्ट डाला है ना, थोड़ा वो भी हो जाएगा, तो मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा पैनकेक अच्छी तरह अच्छा बन जाए। तो इंशाल्लाह हमारा पैनकेक आप लोग ट्राई करो, ये बहुत ज़बरदस्त पैनकेक बनता है इस तरीके से। और ये देख बैटर कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है, और इसको हम लोग रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह फिर हम इसको फ्राई पैन में पकाएंगे, जो ये किस तरीके से बनते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन हमारा 10 मिनट हो गया, हमारा बैटर अच्छे तैयार हो गया, तो अभी हम इसको फ्राई पैन में डालेंगे, ये किस तरीके से बनता है। तो आप देखो, ये हमने इस तरीके से डाला और थोड़ा सा इस तरफ मिला दिया, ये खुद खुल जाएगा। तो हमारा फ्राई पैन तो मीडियम गर्म है, फुल गर्म नहीं है, ये जल ना जाए। ये खुद फूल जाएगा अभी। तो नाजरीन ये फूलने पे आया हुआ है, ये देखो, और इसको अभी हम पलटेंगे, ये किस तरीके से पलटते हैं। और देखिए फूल गया, तो इसको हम थोड़ा देख लेते ये, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा पकेगा इंशाल्लाह, अब ज़रूर ट्राई करो। ये देख कितना ज़बरदस्त एक तरफ से हो गया, अभी दूसरी तरफ से भी हो जाएगा ये। तो आप इस तरह पैनकेक बनाओ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी तरफ से भी हमारा पैनकेक तैयार हो गया, देखो कितना ज़बरदस्त कलर आया हो इसका। तो इंशाल्लाह आप इस तरह पैनकेक ट्राई करो और पकाओ,
अभी हमारा एक पेनकेक तैयार हो गया, अभी हम दूसरा पेनकेक डाल देंगे इसके अंदर। ये तो हमने अभी दूसरा पेनकेक डाल दिया, तरीके से गोल कर देंगे तो ये भी 5-6 मिनट में फूल जाएगा। तो नाजरीन हमारा दूसरा पेनकेक भी होने वाला है, ये भी तैयार होने वाला है। तो एक पेनकेक हमारा ये तैयार हो गया, ये दूसरी तरफ से इस तरीके से। तो इंशाल्लाह ट्राई करो और आपको अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। आप इसके ऊपर शहद भी डाल सकते हो, जो भी तैयार हो जाए तो आप शहद डाल लो इसके ऊपर और इस तरह आप कर कर के बनाओ। तो इंशाल्लाह ये देख कितना कलर भी अच्छा है वहाँ इसका, और ज़बरदस्त चीज़ है। और आप घर में ट्राई करो इंशाल्लाह, मेरे बच्चों को खिला नाश्ते में बहुत अच्छा चीज़ है ये। और इंशाल्लाह हमारा न्यू वीडियो आती रहेगी आपके पास। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और ओके, अल्लाह हाफिज़।